लौंडों की डिमांडे हो रखी होती है अलग। ब्रा तो बड़ा चाहिए पर कमर इतनी सी, इतनी छोटी सी। तुमसे कुछ छोटा बड़ा मांग लिया तो कहाँ जाओगे तुम? तुम जो बना रहे हो ना बॉलीवुड वालों, तुमसे अच्छा एक मिनट की रील में इंस्टाग्राम पे लोगों को मजा आ जाता है। यूट्यूबर्स इससे अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। आंटी जी, ऐसे आपकी फिल्म थिएटरों में नहीं चलेंगी। ब्रह्मास्त्र भी इसलिए थोड़ा बहुत अच्छी इनकम कर गई क्योंकि उसका नाम ब्रह्मास्त्र है। ये बढ़िया था गुरु। तो दोस्तों, फाइनली एक और ट्रेलर बॉलीवुड ने डाल ही दिया। और पता नहीं इतने ट्रेलर भाई ये क्यों डालते हैं जब कुछ चलना नहीं है। आपका भी कोई सपना टूटा यार। तो जैसे ही ट्रेलर आया सोनाक्षी आंटी और अपनी हुमा कुरैशी आंटी का, वैसे ही लोगों ने उस पर कमेंट करने चालू कर दिए। एक्चुअली इस मूवी का जब 2 सप्ताह पहले टीजर आया था तो उसमें साफ साफ दिख रहा था कि 2 मोटी लड़कियों की कहानी, सेम आपने ट्रेलर में डाल दिया। आपने और तो और आपने जो टीजर में डायलॉग डाले थे वो भी आपने ट्रेलर में डाल दिए। 2600 की फॉलोइंग है मेरिट में, इन लोगों को हमारे सपने का साइज नहीं दिखा, सिर्फ हमारा साइज दिखा। भैया ऐसे आप सिर्फ क्रिंज प्रमोट कर रहे हो, आप कोई ट्रेलर प्रमोट नहीं कर रहे हो। और होता क्या है इस सब चक्कर में कि लोग आपका मतलब ट्रेलर में ही इंटरेस्टेड नहीं है यार। सोनाक्षी और हुमा कुरैशी जो है एक दूसरे से मिल जाती हैं, दोनों की ड्रीम है कि कुछ बड़ा करना है। अब कुछ बड़ा करने के चक्कर में अपना शरीर बड़ा कर बैठती हैं। दुनिया को ना या तो सपने के साइज से एतराज होता है या देखने वाले के साइज। तो ऐसे में क्या होता है कि भैया आप कहीं ना कहीं अनहेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट कर रहे हो। और मैं नहीं कह रहा, ये बहुत सारे यूजर्स ने कहा है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मोस्टली इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है मुदस्सर अजीज ने और हुमा कुरैशी ने और साथ में टी सीरीज ने। तो टी सीरीज का तो लेवल चिपका दिया, टी सीरीज अपने प्लेटफॉर्म पे इसका ट्रेलर और दुनियादारी और म्यूजिक रिलीज कर देगा, इसलिए टी सीरीज भी प्रोड्यूसर हो गया। बेसिकली इसको बनाया मुदस्सर अजीज ने। मुदस्सर अजीज कौन है? हुमा कुरैशी के हस्बैंड, यानी कि इस फिल्म को मोटा मोटी हुमा कुरैशी ने ही बनाया है। टूटी है। I can't believe I thought I could make a life with you. क्या बवासीर बना दिया हो? साला हाथ झंझरा जाता है। भैया बॉलीवुड वालों, कुछ ढंग का, कुछ अच्छा मजेदार सा कंटेंट लाओ। जैसे राम सेतु का कॉन्सेप्ट एकदम यूनिक और अच्छा है और उसको हमने अच्छा बताया, तो कुछ ढंग का लाओगे तो वी विल डेफिनेटली अप्रिशिएट इट। हमको शादी नहीं करनी है। पर अगर मेरा साथ दोगी तो मेरठ जाकर किसी जूजे से शादी नहीं करनी पड़ेगी। कुछ भी। कैसा लगा आपको ये ट्रेलर रिव्यू? और हाँ, कैसा लगा आपको ये ट्रेलर भी कमेंट जरूर करके बताइए। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। शेयर जरूर करना।